दोस्तों अगर आप भी Realme 11 सीरीज यूज करते हैं तो आप यहाँ पे अगर आप Realme 11 सीरीज यूज कर रहे हो या फिर 12 सीरीज यूज कर रहे होंगे तो कई सारे यूजर्स को यहाँ पे अपडेट रोल आउट हो चुका है। ऐसे में कई सारे यूजर्स को अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं इसी अपडेट के ऊपर और कई सारे हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यूजर्स हैं उनको कई सारे यूजर्स को जो है अपडेट नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और क्योंकि अपडेट ऑलरेडी रोल आउट हो गया है तो अपडेट अभी तक नहीं मिला बहुत सारे यूजर्स को, और किन यूजर्स को जल्दी मिल सकता है उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और नया अपडेट अगर आपको मिल भी जाता है तो कौन सा वो अपडेट है जिसको आपको नहीं करना होता है, मतलब भूल के भी नहीं करना होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बीटा वर्जन का वेट कर रहे हैं या स्टेबल वर्जन का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और 11 सीरीज़ यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे पता है कि कई सारे यूजर्स को जून का अपडेट मिल गया है लेकिन बहुत सारे यूजर्स को नहीं मिला है, जैसे कि अभी हमारे डिवाइस को भी यहाँ पे अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। अपडेट देखिए अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको वेट करना है क्योंकि जिन यूजर्स को मिला हुआ है उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग अपने डिवाइस को अपडेट किया था और ऐसे में जो यूजर्स पहले शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको पहले अपडेट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट अगर अभी तक नहीं मिला है तो आपको वेट करना चाहिए। देखिए अगर आपको 5.0 का ही अपडेट नहीं मिला है तो ऐसे में आपको ट्रायल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा तभी जाके अपडेट मिलेगा, ठीक है। ट्रायल फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रायल फॉर्म का जो फॉर्म आता है उसको फिलअप करना पड़ेगा तभी जाके जो है आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे किन यूजर्स को जल्दी मिलेगा तो मैंने इसके लिए आपको बताया हुआ है कि अगर आपने प्रीवियस वर्जन अगर आपने पहले ही अपडेट कर लिया है तो आपको जो न्यू वर्जन है आने वाला वर्जन वो टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी मिल सकता है, ठीक है। कई सारे यूजर्स होता है कि अपडेट नहीं करते हैं, अपडेट आने के बाद भी उसको पेंडिंग में रख देते हैं तो ऐसे में जो नेक्स्ट अपडेट है ना भाई वहाँ पे वो डिले होता चला जाता है और लंबे समय तक अगर आप अपडेट को पेंडिंग में रखते हैं तो लंबे समय बाद जो है अपडेट आने के जो आने आगे वाला चांस होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। यहाँ पे बात करें अब जो है जो कौन से यूजर्स है जिनको अपडेट नहीं करना चाहिए, भूल के भी नया अपडेट नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपको यहाँ पे बीटा वर्जन अगर आपको मिला हुआ है तो बीटा वर्जन में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि बीटा वर्जन अगर आपको रोल आउट हो गया है तो ऐसे में आपको बीटा वर्जन जो है सोच समझ के अपडेट करना होता है। अगर आप बीटा वर्जन को अपडेट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रायल के लिए वो अपडेट होता है, पहली बात लिमिटेड यूजर्स के लिए होता है। लिमिटेड यूजर्स के लिए इसलिए होता है कि वो लोग यूज़ करें अपडेट को और उसमें जो प्रॉब्लम हो वो टीम तक सजेस्ट करें और वो टीम उसको सॉल्व करें। और बीटा ट्रायल वर्जन में लगभग 90% चांस होता है कि लगभग यहाँ पे प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है, हैंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हीट की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो आ सकती है। तो ट्रायल अपडेट दिया जाता है, अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्रायल अपडेट मिल रहा है तो भाई आपको ऐसे में भूल के भी अपडेट नहीं करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और अगर आप अपडेट कर लेते तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो जाए हैंग की, हीट की, या फिर बहुत ज़्यादा जो है बग की, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप ऐसे अपडेट्स को कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इन सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की क्या है क्या नहीं, और बाकी आप कॉमेंट बताइएगा आपको अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। और होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।